परम आदरणीय सलीम सिवालवी जी जो इस कार्यक्रम के संयोजक भी रहे, मैं इन पंक्तियों से आपको आवाज दूं और आप मन से सुनिएगा कि किसी मजलूम की आवाज बनो तो जाने, किसी मजलूम की आवाज बन के देखो तो, कभी तुम कर्म से सरताज बन के देखो तो, फकत एक हौसला देकर परिंदों को तुम भी, किसी के पर की तुम परवाज बन के देखो तो। आदरणीय सलीम सिवालवी जी, बहुत ही अच्छा आप लोग सुन रहे हैं और लगभग हर रंग की कविताएं यहाँ पढ़ी गई। इस बार नौगढ़ के बदले बबुरी में प्लान बना कि यहीं हो और थोड़े कम जरूर लोग हैं, लेकिन एहसास ये नहीं हुआ कि जो है प्रोग्राम उससे कमज़ोर हुआ है जी। आप लोग हम लगभग जो है बहुत ही अच्छी रचना, भाई ये बरेली से आए हैं प्रेम जी, अच्छा लगा। हमारे तमाम जो साथी आए हुए हैं सब ने आपको हंसाया गुदगुदाया। कुछ पंक्तियां मैं चूँकि सेहत ठीक नहीं है इसीलिए मुझे सदारत की जगह दी गई थी, सच्चाई यही है है ना, लेकिन कुछ ना कुछ तो वो पढ़ना है, हाजिर कर रहा हूँ, सुने। स्वागत है। अभी पूनम और दमदार आपस में भीड़ रहे थे तो एहसास हो रहा था जो कि मुफ्त में मस्ती लूटने वाले बैठे हैं। आहा। मुफ्त में मस्ती लूटने वाले बैठे हैं, जज्बातों से खेलने वाले बैठे हैं, यार ठहाकों से लगता है महफिल में अच्छी सूरत देखने वाले बैठे हैं। क्या कहने वाले बैठे हैं, क्या एहसास हो रहा था और बार 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 ये हो रहा था कि सलीम जी सलीम जी सलीम जी। हालांकि पहले जैसी बहार अब भी है, दमदार बनारसी जहां भी हो हाजिर हूं सुने वहीं से, इसलिए कि उन्होंने ये कहा था कि जो है उन्हीं के तरफ जाए तो पहले कोई ऐसी बात नहीं करूंगा, हालांकि नोक झोंक होता तो कुछ ना कुछ कह भी जाता, लेकिन वहां तक मैं मुझे जाना नहीं है, अध्यक्ष जो है अपनी गरिमा को बनाए भी रखना है, इसलिए कहना चाहता हूं कि पहले जैसी बहार अब भी है, वो चमक वो निखार अब भी है। थोड़ा सा एहसास दिलाइएगा कि पहले जैसी बहार अब भी है, वो चमक वो निखार अब भी है, कुछ भी बदला नहीं खुदा की कसम आशिकों की कतार। क्या कहने, क्या कहने भाई, बहुत बढ़िया। बहरहाल हम थोड़ा सा दो चार मुक्ता खट के भी पढ़ना चाहता हूं कि अच्छी रचनाएं पढ़ी गई और आप लोग मन से सुन रहे हैं तो मैं भी चाहता हूं कि कुछ पढ़ूं। स्वागत है। कि मुल्ला मिले, हर तरह की रचनाएं पढ़ी गई, मुल्ला मिले महंत मिले पादरी मिले, मुल्ला मिले महंत मिले पादरी मिले, हिंदू कहीं पे सिख हो मुसलमान सभी मिले, मैं ढूंढता ही रह गया सारे जहान में लेकिन मुझे कहीं भी नहीं आदमी मिले। वाह 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 वाह, क्या कहने भाई, वाह वाह, लेकिन मुझे कहीं भी नहीं आदमी मिले। और एक छंद हाजिर करना चाहता हूं कि कोई पंजाबी बने कोई बंगाली बने, कोई है आसामी यहाँ कोई राजस्थानी है। बाबा बाबा, कोई पंजाबी बने कोई बंगाली बने
कोई है आसामी, यहाँ कोई राजस्थानी है, इनको बिहार भला उन्हें गुजरात भला, दिल्ली वाला बोले मेरा प्रांत राजधानी है, दिल्ली वाला बोले मेरा प्रांत राजधानी है, यूपी एमपी या मराठी कोई भी हो सुनो प्यारे एक ही सी सुनो यहाँ सभी की कहानी है, बाबा कोई नहीं मिलता जो प्यार से ये कह देता मैं भी हिंदुस्तानी हूँ और ये भी हिंदुस्तानी। क्या बात है भैया, क्या बात है दग जी, बहुत सुंदर। और एक मुक्तक और हाजिर करना चाहता हूँ। स्वागत है। कि कल से भी बुरे आज मेरे हाल हो गए। आहा अहमद भाई, कल से भी बुरे आज मेरे हाल हो गए और वो समझ रहे हैं कि खुशहाल हो गए। बाबा बाबा, कल से भी बुरे आज मेरे हाल हो गए और वो समझ रहे हैं कि खुशहाल हो गए। कैसे समझ ले मुल्क तरक्की पे मेरा है, बच्चों को मिले दूध कई साल हो गए। बाबा बाबा, क्या कहने भाई, थोड़ा कमजोर लग रहा है। अगर बच्चों को मिले दूध कई साल हो गए। कल से भी बुरे आज मेरे हाल हो गए और वो समझ रहे हैं कि खुशहाल हो गए। कैसे समझ ले मुल्क तरक्की पे मेरा है, बच्चों को मिले दूध कई साल हो गए। अभी एक भाई साहब पढ़ रहे थे, एक बात आई कि ये परेशानी वो परेशानी, तरह तरह की बातें कर रहे थे। सब्रो वफा का जाम करीने से पिए हैं बाबा, हम हिंदुस्तानियों में ये खूबी बहुत पाएंगे भाई साहब। सब्रो वफा यानी सब्र और वफादारी, सब्रो वफा का जाम करीने से पिए हैं, हर हाल में जीने का अहद दिल में लिए हैं। वाह, सब्रो वफा का जाम करीने से पिए हैं, हर हाल में जीने का अहद दिल में लिए हैं। 2 जून की रोटी पे, 2 जून की सूखी हुई रोटी पे शुक्र है, पुरखे तो यहाँ घास की रोटी पे जिए हैं। बाबा बाबा बाबा, क्या कहने, क्या कहने भाई, पुरखे तो यहाँ घास की रोटी पे जिए हैं। हमारी बहन बैठी हुई हैं, बातें हो रही थी उधर भी, मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ कि पेड़ खास करके इस मुक्तक पर आपकी ताली चाहता हूँ, कोई बजाए या ना बजाए, अगर सही अच्छा लगे तो साथ दीजिएगा, कि पेड़ सम्मान का उगे कैसे। पेड़ सम्मान का उगे कैसे, फूल अरमान का खिले कैसे, नारी नारी का हो गई दुश्मन, लाज सिंदूर का बचे कैसे। बाबा बाबा बाबा, क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सही बात। तो फिर से पढ़ देंगे। पेड़ सम्मान का उगे कैसे, फूल अरमान का खिले कैसे, नारी नारी का हो गई दुश्मन, लाज सिंदूर का बचे कैसे, लाज सिंदूर का बचे कैसे। इसलिए कहना चाहता हूं कि कदम तुम भी आगे बढ़ाने की सोचो। पूनम सुनो, कदम तुम भी आगे बढ़ाने की सोचो, सीतम के मुकाबिल अब आने की सोचो। बाबा, कदम तुम भी आगे बढ़ाने की सोचो, सीतम के मुकाबिल अब आने की सोचो, अगर लाज रखनी है आंचल की अपने तो आंचल का परचम बनाने की सोचो। बाबा बाबा, क्या कहने भाई, परचम बनाने की सोचो। और एक कविता पढ़ के मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ, हाजिर कर रहा हूँ। स्वागत है। के गले मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं, बस बंद भैया सुनेंगे। गले मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं, हालात है कि गले मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं, अलम नफरत के गाड़े जा रहे हैं। समझदार लोग बैठे हैं, इशारे में बात कर रहा हूँ। गले मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं, अलम नफरत के गाड़े जा रहे हैं,
उधर जुम्मन मियां है भाव चढ़ाए, इधर तेवर में पाड़े जा रहे हैं। अरे वाह 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 वाह, जुम्मन मियां है भाव चढ़ाए, इधर तेवर में पाड़े जा रहे, पाड़े जा रहे हैं, गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं, अलम नफरत के गाड़े जा रहे हैं, उधर जुम्मन मियां है भाव चढ़ाए, इधर तेवर में पाड़े जा रहे हैं, न हो जाए कहीं नफरत का दंगल। पंक्ति अच्छी लग रही हो तो एक बार जोरदार बजाएं, इसके आगे पढ़ के सुनाऊंगा आपको। भैया रॉबर्ट्सगंज से आए हमारे, खास करके सुनेंगे इसको। कविता के ऐसे प्रेमी कि बनारस में हो कहीं भी हो ये हाजिर होते हैं हमारे भैया, है ना, कि न हो जाए कहीं नफरत का दंगल, न हो जाए कहीं नफरत का दंगल, मियां दोनों अखाड़े जा रहे हैं, मियां दोनों अखाड़े जा रहे हैं, मियां दोनों अखाड़े जा रहे हैं, क्या बात है, न हो जाए कहीं नफरत का दंगल, मियां दोनों अखाड़े जा रहे हैं, तबाहकारी का लेकर असलहा अब, तबाहकारी का लेकर असलहा अब, सितमगर दिन दहाड़े, वाह जा रहे हैं, सितमगर दिन दहाड़े जा रहे हैं, और जिसे देखो यहाँ हर चैनलों पर, जिसे देखो यहाँ हर चैनलों पर बेमकसद की दहाड़े जा रहे हैं। ये गांव गिराव आज ये कवि सम्मेलन मीडिया वालों का है बेशक, के कुछ कहा दुआ भैया, नहीं कुछ कहला नहीं हाजिर करा थी कि बेमकसद की दहाड़े जा, सियासत से कहो अब बाज आए, सियासत से कहो अब बाज आए, ये तो मिल्लत बिगाड़े जा रहे हैं, ये तो मिल्लत बिगाड़े जा रहे हैं, सियासत से कहो अब बाज आए, ये तो मिल्लत बिगाड़े जा रहे हैं, और लगाकर मंदिरों मस्जिद का झगड़ा, लगाकर मंदिरों मस्जिद का झगड़ा, वो बचकर डाले डाले जा रहे हैं, वो बचकर डाले डाले जा रहे हैं, मनेगी क्या कहीं जश्ने तबाही, मनेगी क्या कहीं जश्ने तबाही, उधर देखो नगाड़े जा रहे हैं, नगाड़े जा रहे हैं, उधर देखो नगाड़े जा रहे हैं, और मिसालें देती थी जिसकी ये दुनिया वही गुलशन उजाड़े जा रहे हैं, और जिन्हें हक बोलने का है सलीका, जिन्हें हक बोलने का है सलीका, वही पल्लू को झाड़े, अगर पल्लू झाड़ के निकल जाना, बच के निकल जाना भाई साहब, वही पल्लू को झाड़े जा रहे हैं, सलीम आओ बचाएं भाईचारा, अगर मक्ते का शेर अच्छा लगेगा तो ताली बजाइएगा, मैं हाजिर करना चाहूं, कहेंगे तक और कि सलीम आओ बचाएं भाईचारा, किताबें अमन फाड़े जा रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि श्रीधर भैया कहाँ हैं, थोड़ा मैदान में आ जाएं, और इसी हमारे बाद उन्हीं का नंबर है माइक पर आने के लिए, तो एकाक दो आ जाइए, कहाँ दूर दूर हैं, आपको तो सामने रहना चाहिए, है ना, क्या है भैया, नहीं मकुनिया का खाइए, मकुनिया खिलाए जा रहे हैं, ये स्थिति है उनकी, हैं बहरहाल के कुछ दो तीन मुक्तक और हाजिर कर दूं कि आओ एक जश्न मोहब्बत का मनाया जाए, भैया आओ एक जश्न मोहब्बत का मनाया जाए, जो है मकसूदे मोहब्बत वो बताया जाए, प्यार वो शय है जो नफरत को मिटा देती है, आओ फिर प्यार जमाने को सिखाया जाए, आओ फिर प्यार जमाने को सिखाया जाए, क्योंकि बसाओ प्रेम की बस्ती, यहाँ हथियार मत बांटो, बाबा बाबा ये भारत है भाई साहब, बसाओ प्रेम की बस्ती,
यहाँ हथियार मत बांटो, तुम अपने खूबियों का फूल बांटो, खार मत बांटो, अमन का देश है भारत यही तारीख कहती है, अमन का देश है भारत यही तारीख कहती है, यहाँ त्रिशूल मत बांटो, यहाँ तलवार मत बांटो, यहाँ त्रिशूल मत बांटो, यहाँ तलवार मत बांटो, यहाँ त्रिशूल मत बांटो, यहाँ तलवार मत बांटो। और एक भाई साहब ने कहा था कि एकाग मुक्तक जरूर उसको पढ़िएगा कश्मीर, हालांकि वो सब दौर था पढ़ते थे खूब, लेकिन उनकी फरमाइश के हिसाब से एक मुक्तक हाजिर करना चाहता हूँ। स्वागत है। बल्कि ये हाजिर करना चाहता हूँ कि समस्या खत्म हो जाए कि हुकूमत मशवरे पर घर मेरे तैयार हो जाए। बाबा बाबा अमित शाह जी अगर 15 दिन पहले किसी प्रांत में चले जाएं, भाई साहब भैया एक मिस्टेक मत करा, अमित शाह जी अगर 15 दिन पहले किसी भी प्रांत में चले जाएं और उसके बाद वहां चुनाव करा दीजिए, रिजल्ट जो आता है आप सभी को मालूम है। मैं मुक्तक हाजिर कर रहा हूं, सुने भैया, कि हुकूमत मशवरे पर अगर मेरे तैयार हो जाए तो ये मुमकिन नहीं कश्मीर में फिर रार हो जाए, हुकूमत मशवरे पर अगर मेरे तैयार हो जाए तो ये मुमकिन नहीं कश्मीर में फिर रार हो जाए, चले जाएं अमित शाह पाक में कुछ रोज की खातिर, यकीनन पाक में भी भाजपा सरकार हो जाए, यकीनन पाक में भी भाजपा सरकार हो जाए, यकीनन न रहे बास न बजे। एक बार जोरदार बजावा थे, एक मुक्तक और पढ़ दें। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। के नफरत की दीवार गिरा कर देखो तो है पाकिस्तानियों, भैया भैया नफरत की दीवार गिरा कर देखो तो तुझे कश्मीर चाहिए, आले मैं दे रहा हूं, ये गांव गिराओं के मंच से मैं कह रहा हूं कि आ कि नफरत की दीवार गिरा कर देखो तो, आतंकी किरदार मिटा कर देखो तो, बेमांगे कश्मीर तुझे मिल जाएगी, भारत में तुम पाक मिला कर देखो तो, भारत में तुम पाक मिला कर देखो, बहुत अच्छे भाई, वाह 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 वाह, मिलाकर देखो तो, क्योंकि ये भारत है, जब भी शेरे वतन निकलते हैं बन के 16 फिगन निकलते हैं, इनको मरने का गम नहीं होता, सर पे बांधे कफन निकलते हैं, सर पे। बहुत अच्छे, वाह, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने अच्छा सुना, जिन लोगों को बुलाया था इन लोगों ने भी हमारी इज्जत को यहाँ बरकरार रखा, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आप लोग इतनी देर तक बैठ के सुने ये, इसके लिए आप लोगों को शुक्रिया। और मैं सिरधर जी से कहता हूँ कि माइक पर आवें।